أحمده على النعم فضله وامتنان لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون नहल की आयत है। सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरह है और इसकी 128 आयतें हैं और तमाम सूरह जाहिर है कि मौजज़ा है, मौजज़े का जुज़ो है, लेकिन चूंकि अब इस आयत पर इन तकरीरों में गुफ्तगू होगी, इसलिए इस काबिल है कि आप तर्जमे के साथ इस सूरे को पढ़ें और जाहिर है कि इतनी फुर्सत किसको है कि वो तफसीर भी देखे और मसाइल को भी हल करने की कोशिश करे। नहीं, सिर्फ तर्जमे के साथ ही पहुंचे तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि कितने मालूमात आफरीन इस सूरे में रिशादात हैं। यह सूरा कई एतबार से अहमियत रखता है। सबसे पहले ये
कि इस सूरह की पहली आयत जो हुरूफ मुकत्तात से तो शुरू नहीं होती लेकिन एक ऐसे इशारे से शुरू होती है कि जहां मुफस्सिरीन हमेशा परेशान रहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अता अम्रुल्लाह फला तस्ताजलूहु सुभानहु व तआला अम्मा युश्रिकून, आ गया अम्र खुदा जल्दी न करो। पहली आए और उसके बाद ही की आयत में यह है कि युनज़्ज़िलुल मलाइकतु बिर्रूह मिन अम्रिही अला मन यशा मिन इबादिही, वो नाजिल करता है मलाइका को रूह के साथ अपने बंदों में से जिसको वो मुनासिब समझे उस पर। अनज़रू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून, और उस बंदे का काम यह होता है कि वो बराबर नजारत का काम अदा करता रहे, नजीर बन जाए, डराता रहे और बतलाता रहे कि काबिल परस्तिश वही एक ज़ात गिरामी है और बस। दौरान तकरीर में आज ही शायद फिर इसके बाद का मौका मिलेगा। मैंने हम नहीं चाहते कि रास्ता बंद हो जाए, इसलिए आप हजरात जरा सा मेंबर से करीब हो जाएं और आयत का उन्वान किया गया और जिस आयत को तकरीरों के लिए मौजू बनाया गया उसका तर्जमा सुन लीजिए कि जो कोई नेक अमल करे, जो कोई नेक अमल करे वो मर्द हो या औरत, और अगर वो साहिब ईमान हो तो हम वादा करते हैं कि हम उसको हयात तय्यबा अता करें। मन अमल सालिह मिन ज़कर औ उन्सा वह हुआ मोमिन हो फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन, हम उसको हयात तय्यबा अता करें। وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, और जो कुछ वो दुनिया में अमल करते हैं उससे बेहतर अजर देंगे। उन्वान इन तकरीरों के लिए करार पाया हयात के तजमा, हयात यानी जाहिर है कि अगर आपसे पूछूं कि हयात क्या है तो वही मिज़दाक होगा कि किसी ने मछली से पूछा पानी क्या है तो आपने देखा कि जो सिवा पानी के कुछ भी न जाने। बिल्कुल इसी तरह आप हयात से घिरे हुए हैं, हयात ही हयात है, कहीं हयात तबीई है, कहीं हयात जमादी है, कहीं हयात हयावानी है, कहीं हयात बशरी है, कहीं अपने हदों में आके हयात
हया के अकली है, कहीं अपने हदों में आके हयात मानवी है, हयात रूही है, हयात बातिनी है। बहरहाल हयात के सिवा और कुछ है ही नहीं, और उसके सिवा कुछ है ही नहीं, हयात ही है। मौलाना रूम ने शायद अपने आप को वाजे करना चाहा तो उनको यह कहना पड़ा था कि सिर मन अजनालय मन दूर नीस लेक चश्मो गोशरा उन नूर नीस, मेरे नाले ही में मेरा राज है, लेकिन क्या करूं आंखों को और सुनने वाले कानों को वो तौफीक नहीं है कि वो उस नूर को समझें। तंज जानो जांज तन मस्तूर नीस्त कसरा दीदे उन दस्तूर नीस्त, जान तन से अलग नहीं है, तन जान से अलग नहीं है, लेकिन जान को देखना भी मुश्किल है। अगर जान को कोई देख ले तो यकीनन वो अंदाजा कर सकता है कि हयात किन मदारिज से शुरू होती है और किन मदारिज पर जाकर खत्म होती है। फकत ये नहीं है कि जिसको आपने जानदार कहा वही जान है, नहीं, जर्रे में भी जान है, उसको तोड़ा तो मुजबित और मनफी सालिमात में जान निकली, फिर उसको तोड़ा तो रोशनी में जान निकली, और इसी तरह से तोड़ के चले जा रहे हैं एटम्स को, तो मालूम होता है जान ही से भरा हुआ एक जर्रा है। कायनात बेजान नहीं है, हयात है। एक लफ्ज की तशरीह करके हम आगे बढ़ जाएंगे। एक बात है उसको याद रखिए, किसी ने कहा लकड़ी तो अब आपका जहन यकीनन किसी चीज की तरफ गया, दरवाजे की तरफ भी गया, तख्त की तरफ भी गया, मिंबर की तरफ भी गया, इन सुतूनों की तरफ भी गया, हाथ की लकड़ी की तरफ भी गया, यानी वो हजार शक्लों में तसव्वुर तकय्युल बढ़ गया एक नाम से, मगर जब आपने उसको हदें दे दी, ये बड़ी अहम गुफ्तगू, हदें दे दी तो हदों में आके माहियत हुई यानी तख्त, तो पता चला कि वो ये तख्त, आपने कहा मिंबर, ये हदें हैं, लकड़ी की हदें हैं ये, बिल्कुल उसी तरह हयात की हदें हैं। नारे सलवा, हयात की हदें हैं, कहीं नामिया नबातिया है, कहीं हिस्सिया हैवानिया है, कहीं नातकय कुदसिया है, कहीं कुल्लिय इलाहिया है, कहीं सिर्फ हैवान ही हैवान है, कहीं इंसान ही इंसान है। खुद इंसान की हद तक हयात को जिन हिस्सों में तकसीम किया वो सात हिस्से थे, इंसान को हयात के जिन हिस्सों में तकसीम किया वो सात हिस्से, और कहा हमने खल्क किया, लकद खलकनल इंसान, हमने खल्क किया, खल्क, पहला हिस्सा तीनियत, दूसरे नुतफियत, तीसरे अलकियत,
चौथे मुजगियत, पांचवें इजामियत, छठे लहमियत, सातवीं मंजिल फिरकते आखिर फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। सूरह मोमिनून की आयत। तो आपने देखा कि तीन से बनाया, वो नुत्फियत की मंजिल पर आया, अलकियत की मंजिल पर आया, मुजगियत की मंजिल पर आया। अलका जमा हुआ लहू, मुजगा नमू पजीर गोश्त, इजाम हड्डी, तीन मिट्टी, ये सब दर्जे बन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हयात हद में तो आई, हयात हद में तो आई और सिन बढ़ता चला, मगर इंसान तीनियत ही में रहा। कभी ऐसा हुआ कि 40 बरस का सिन हो गया मगर नुत्फियत में है, 60 बरस का हो गया मुजगा है अभी। सिन बढ़ गया, फकत हड्डियां हैं, इजाम है, लहम है। तो आपने देखा सिन के बढ़ने से मदारिस की तरक्की पर कोई असर नहीं पड़ता कि सिन ज्यादा है इसलिए दर्जा भी ज्यादा होगा। नारे तलवार, तो इस चीज पे हमेशा जहन रहे और आप किस अंदाज से सोचें कि अगर कहीं रुक गया है, तरक्की कहीं रुक गई है तो हम क्या करें। इन्हें इस पर एक मुस्तकिल बहस छिड़ी हुई है सारी इल्म की दुनिया में कि बच्चों के अजान जब रिटायर्ड होते हैं, ये लफ्ज खास उसी के लिए है कि जब वो आगे बढ़ने से नमू पजीरी से रुक जाते हैं तो सिन बढ़ता जाएगा मगर दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग में वही बचपन है, इसीलिए फारसी में जिसने बहुत ज्यादा आपको मिसालें दी उसने कहा था चहल साल गुजर, मालूम है ना, यानी 40 साल गुजर गए मगर तिफली नहीं गई, तिफली नहीं गई। क्यों? सिर्फ इसलिए, इसलिए नहीं गई कि कभी किसी मौके पर भी तरबियत पाने वाले ने यह अंदाजा नहीं किया था कि अगर सिनो साल को बढ़ना है तो उसके साथ साथ कुछ लवाजमात भी हैं, उन लवाजमात को भी आगे सिन और साल के साथ बढ़ना चाहिए। मैं समझा नहीं सका इसलिए फिर रुकता हूं। यानी अब आपने मजलिस में एक जगह आने का तहिया किया, आए बैठे और आपने एक सांस खींची, अब दूसरी सांस खींचने तक अगर आप में कोई इजाफा नहीं हुआ या तीसरी सांस खींचने तक अगर आपके मालूमात फिर वहीं रह गए तो उसके माना क्या हुए? उम्र तो गुजरी, उम्र गुजरी, तरक्की रुकी, तरक्की रुकी। तो इस एतबार से हर आन हर लहजा एक
तरक्की चाहिए, एक इर्तका चाहिए। इसलिए जिंदगी के दो पहलू होंगे जिस पर हम बहस करेंगे। ये पहली मजलिस हमारे सामने 9 तकरीरें हैं। जाहिर है कि बड़े अजीब मकामात से हमको गुजरना है। दो पहलू होंगे। एक पहलू तो ये है कि जियो, खाओ पियो, सो जागो, चलो फिरो, तन्मिया तगजिया तौलीद मसल सब ठीक है, मगर मुमकिन है कि ये निगाह हक में हयात न हो। सांस चल रही है मगर मुमकिन है कि कुरान इसको मैयत कहे। ये तो मुर्दा है, ये इससे हम बहस करेंगे कि कुरान ने कहां कहां कैसे इशारे किए। और फिर जिस हयात पर हमको नाज है कि हम जी रहे हैं, वो नाज गलत हो जाएगा अगर सही माना में हयात के मफहूम के मुताबिक जिंदगी न हो। सूरह अनफाल की एक आयत है, सूरह अनफाल कुरान मजीद का 8वां सूरह है। एक अजीब सी आयत जरा गौर कीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह और उसका रसूल पुकारे, फौरन जवाब दो ताकि जिंदगी मिले। सूरह अनफाल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू, आए साहिबान ईमान, आए यानी सुनने वालों जो जी रहे हो, जिनका नफस खिंच रहा है, जिनकी सांस चल रही है, जो हमारी आवाज को सुन रहे हो, ऐ साहिबान ईमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू, जवाब देने में जल्दी करो, अल्लाह और उसका रसूल पुकारे, क्यों, लम्मा युहयीकुम, ताकि वो तुमको जिंदगी दे। तो जवाब देने से पहले क्या है, जवाब देने से पहले क्या है, जवाब न दे तो क्या है, यानी साहिबान ईमान से गुफ्तगू हो रही है कि जवाब दो ताकि जिंदगी मिले। अजीब बात है, आपका मुफस्सिर है और बड़े बड़े पाए का मुफस्सिर है, उबई बिन काब, और अजिल्ला सहाबा में से है, और हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत है, इसलिए कि इन्होंने तफसीर में बहुत सी आयतों पर रोशनी डाली है। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़वाई थी, हजरत उबई बिन काब मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के रसूल आए और आपने देखा उबई नमाज पढ़ने का, उबई रसूल ने देखा नमाज पढ़ते हुए और कहा उबई, उसने जवाब नहीं, जल्दी से नमाज खत्म की और उसने कहा लब्बैक या रसूल, कहा जब मैंने आवाज दी थी तो तुमने क्यों नहीं जवाब दिया, कहा अल्लाह के रसूल मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं। आयत ये, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, जब पुकारे, जिस हाल में पुकारे, जहां पुकारे, आपके पूरे मुबसरीन, पूरे मुबसरीन नमाज पढ़ते हुए उसको देख रहे हैं,
اللہ کے رسول آپ نے پکارا کیوں؟ وہ تو اللہ کی بندگی میں ہے. نہیں, بتلانے کے لیے کہ آیت کی تفسیر کیا ہے, آیت کی تفسیر کیا ہے کہ ہم جب پکارے, ہم جب جواب دو تو کہا کہ آیت تم نے نہیں پڑھی. کہاں؟ کہ اللہ کے رسول غلطی ہو. اچھا سنو, اب جب کہ میں نے تم کو خطاب کیا ہے, ایک بات یاد رکھنا, تورات, زبور, انجیل, یہ تینوں کتابوں میں تم کبھی کسی موقع پر بھی اگر ان کتابوں کے محافظین سے ملو تو ان کو چیلنج کر دینا کہ ان تینوں کتابوں میں کوئی سورہ سورہ حمد کے برابر دے دے. فاتحۃ الکتاب, سورہ حمد, یہ تم کو ہم بتلانا چاہتے ہیں. اور ابھی میں نے آواز اس لیے دی تھی نماز کے عالم میں کہ تم نے نماز میں سورہ حمد نہیں پڑھا تھا. یعنی وہ علم رسول, وہ اطاعت رسول, وہ پیغمبر کا احاطہ تمام کتب سماوی پر, کہ اس طرح کا سورہ کسی کتاب میں نہیں ہے. تو اب وہ ابئی کی بات تھی, آج آپ سے یہ گفتگو ہے. اردو میں اتفاقاً سارے ترجمے ہو گئے ہیں, انجیل کا بھی ترجمہ ہے, زبور کا بھی ہے, تورات کا بھی ہے, اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی عہد نامہ قدیم کا بھی ترجمہ ہے, عہد نامہ جدید کا بھی ترجمہ ہے. کبھی موقع ملے تو ان کی لائبریری لے کے دیکھیے, لائبریری سے کتاب کو, اور یہ دیکھیے کہ ایک سورہ ایک چیپٹر اس سورے کے برابر جس میں اتنی کیفیتیں ہوں نہیں. بہرحال گفتگو اور آگے بڑھ جائے گی. تو آپ نے دیکھا, اگر رسول پکارے جواب دو, جواب دو تاکہ زندگی ملے. اللہ پکارے تو آواز آئے کیسے؟ آیت میں دونوں کا ذکر ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. جب اللہ پکارے اور رسول پکارے تو تم جواب دو. اللہ پکارتا ہے تو آواز کیسے آتی ہے؟ کس زبان میں پکارتا ہے؟ کس لہجے میں پکارتا ہے؟ یعنی ہم کیسے سمجھیں کہ اللہ پکار رہا ہے؟ تو آپ نے دیکھا, یعنی اپنی تذکرے کے بعد رسول کا نام لینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب کبھی رسول پکارے تو یہ نہ سمجھنا کہ تنہا رسول پکار رہا ہے, بلکہ خدا بھی اس کے ساتھ پکار رہا ہے. الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اے صاحبان ایمان, اللہ اور اس کا رسول پکارے تو لبیک کہو, جواب دو تاکہ تم کو زندگی عطا ہو. زندگی عطا ہو. اللہ کے رسول وہ بھائی تو جی رہا تھا نا, آپ نے تو ایک زندہ آدمی کو آواز دی تھی. اور بھی وہ لوگ جو جی رہے ہوں گے ان کو آپ پکارتے ہوں گے. کبھی آپ نے احد میں پکارا ہوگا, اور مسلسل احد میں پکارتے رہے کہ گھاٹی کو نہ چھوڑو, مگر مال غنیمت نے اپنی طرف جذب کیا اور رسول کی
की आवाज की कदर न हुई, अब हयात का सवाल ही क्या है। हयात का सवाल ही क्या है। आपने देखा जो रसूल की आवाज पर लब्बैक है, हयात उसी के लिए है, हयात उसी के लिए। और हयात भी कैसी, याद कीजिए, हयात भी कैसी, हयात तैयबा। उन्वान यही है ना, हयात तैयबा, ताहिर जिंदगी, तैयब जिंदगी, पाक जिंदगी। रसूल के आवाज पर जब कहीं किसी ने और जिंदगी पाक हुई, जिंदगी ताहिर हुई, उसमें तहारत पैदा हो गई, तहारत पैदा हो गई। और ऐसी तहारत पैदा हुई कि आवाज रसूल समंदर, लब्बैक बंदे मोमिन की आब-ए-कलील, आब-ए-कलील आब-ए-कसीर से मिला, आब-ए-कसीर ने आब-ए-कलील को पाक किया था। नारे आदी, नारे आदी। तो हयात के मफहूम पर, हयात के उन्वान पर तो आपको बहुत कुछ सोचना है। बायोलॉजी या हयातियात एक मुस्तकिल सब्जेक्ट है, मगर हम तफसीर के मनाजिल पर आपको बायोलॉजी की उलझनों में नहीं ले जाएंगे। मगर ये तस्करा सिर्फ इसलिए आया कि हयात मुख्तलिफ शक्लों में है, मुख्तलिफ शक्लों में हयात है। कोह हिमालिया की भी एक हयात है, पहाड़ है, इतना अजीम मुर्तबत पहाड़ है, हयात है। आसमानों की हयात है, जमीन की हयात है, समंदरों की हयात है। यानी हयात अपने मुख्तलिफ हुदूद में है, हदें हैं। जहां हदें आई, फलसफे में उसको कहते हैं माहियत। माहियत क्या है वजूद की, तो आपने कहा उसकी हद, उसकी हद। तो हयात अपने मुख्तलिफ हदों में आकर हर जगह पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है। छोटे से छोटे जरसूमे से, सेल से यह हयात बढ़ते 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 एक ऐसी मंजिल पर पहुंच जाती है कि जहां ऐसा मालूम होता है कि मुहित हो रही है जिंदगी, मुहित हो रही है जिंदगी। तो अब इन मकामात पर चूंकि हम पहुंचना चाहते हैं, इसलिए तमहीदी तकरीर में बगैर किसी जहमत के एक दो चार अहम बातें बतला दी। तजल्ली जात, हुब जात, इन बेसात जात, जात वाजिब की अपने आप से मोहब्बत और अपने कमाल का इजहार, खुद ज़हूर वजूद है। हुब जात तजल्ली है, हुब जात तजल्ली है। अपने आप को चाहा इसलिए कि कमाल को चाहा, कुदरत तामा को चाहो, इल्म मुतलक को चाहो, अपने आप को चाहो, तजल्ली हुई।
تجلی مخلوق ہے، تجلی سے تجلی افادہ چلا، افادہ چلا تجلی اول عقل اول بنی، اور اس کے بعد اب یہ صورت ہوئی کہ ہر شے پر، ہر شے پر ساری کائنات دو قسم سے ریڈیشن آیا، ریڈیشن اشعاع یعنی شعاؤں کا گرنا یا شعاؤں کا کسی چیز سے نکلنا، ہر شے پر دو طرح سے ریڈیشن آیا، ایک تو حب ذات کی وجہ سے ڈائریکٹ آیا کہ ذات واجب سے شعاع چلی رات اس شے پہ پہنچی، ہاں وہ چونٹی ہو، ہاتھی ہو، انسان ہو، زمین ہو، آسمان، اور ایک شعاع چلی بے واسطے تجلی اول، بے واسطے رحمت مطلقہ، بے واسطے عقل اول کہ جس کے واسطے سے یہ چیزیں پنی تھیں، تو ایک شعاع راست آئی اور ایک شعاع تجلی اول پر جا کر پھر منعکس ہوئی اس شے پر، میں چاہتا تھا کہ بہت زیادہ وقت نہیں لوں مگر سمجھاؤں، یہ جو شعاع آئی راست یہ رحمانیت ہے، یہ نمرود پہ بھی آئی، فرعون پہ بھی آئی، حامان پہ بھی آئی، شداد پہ بھی آئی، ابو جہل پہ بھی آئی، ابو لہب پہ بھی آئی، منکرین پہ بھی آئی، ملحدین پر بھی آئی، یعنی حیات ملی اور شعاع ربوبیت تھی کہ ایک ایک ہستی پر جا رہی تھی، دوسری شعاع جو آ رہی تھی وہ عقل اول کے واسطے، اور اب وہ آئے تو اسی وقت آئے جبکہ قبول کرنے والے آئینے میں قابلیت ہو، قبول کرنے والے آئینے میں قابلیت ہو، اگر موسیٰ کے ذریعے سے شعاع آ رہی ہے اور فرعون قبول نہیں کرتا، اگر ابراہیم کے ذریعے شعاع آ رہی ہے اور نمرود قبول نہیں کرتا، اگر پیغمبر کے ذریعے شعاع آ رہی ہے اور ابو جہل قبول نہیں کرتا، تو اس کے معنی یہ کہ اس کی حیات ناقابل ذکر ہے، اس کی حیات ناقابل ذکر ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح جیے گا، اور نہیں جس نے اپنے حزب استطاعت قبول کیا شعاع کو، فیض کو، تجلی کو جو بالواسطہ آئی، اس کے درجے چلے، درجے بڑھے، ترقیاں ہوئی، اب انہی ترقیوں میں اماری بھی ہے، میسمی بھی ہے، بوزری بھی ہے، سلمانی بھی ہے، وہی درجے ہیں کہ جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کتنا قبول کیا، کس نے کتنا قبول کیا، تو اب پورے قرآن کو الف لام میم کے الف سے لے کر یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے سے لے کر والناس کے سین تک پڑ جائے، تو پورے قرآن میں اپنی رحمانیت کا تو تذکرہ کیا ہے کہ ہم ہیں ارض و سما کے خالق، مگر پورے قرآن کا منشا یہ ہے کہ بالواسطہ جو شعاع آ رہی ہے اس سے ہوشیار رہنا، اس سے ہوشیار رہنا، یہ مقدر ہے کہ چاند نکلے، یہ مقدر ہے کہ چاند چھپ جائے،
یہ مقدر ہے کہ آفتاب طلوع ہو، یہ مقدر ہے کہ آفتاب غروب ہو جائے، یہ مقدر ہے کہ زمین میں گردشیں ہوں، یہ مقدر ہے کہ موسم بدلے، مگر قدرنا وہاں تک جہاں عقل نہیں، قدرنا ہم نے مقدر کر دیا وہاں تک جہاں عقل نہیں، جہاں عقل ہے ہدائنا، ہم نے ہدایت کی انا ہدائنا السبیل اما شاکرم و اما کفورا، اب چاہے شکر گزار بنے چاہے کافر ہو جائے، اب ہدایت ہم نے کی تو راست کی نہیں، راست ہو نہیں سکتی ہدایت بالواسطہ ہو، پہلے شعا کہیں اور جائے، وہ آئینہ شعا کو قبول کرے اور اس آئینے کے مقابل میں جتنے ذرات آئیں اپنے اپنے زنگ کو دور کر کے جتنے آئینوں کو سامنے لائیں وہ شعاؤں کو لیں گے قبول کریں گے اور تجلیوں کو منعکس کریں گے، جو جس قدر قبول کرے اب اگر اس نور کے مقابل میں بھی کوئی شائع ہو اور اثر تاپا زنگ آلود ہو تو مقابلے میں رہنا عزت نہیں ہے، سامنے رہنا عزت نہیں ہے، نزدیک رہنا عزت نہیں ہے، یہ دیکھو کہ تجلی کو کہاں تک لے رہا ہے، تجلی کو کہاں تک لے رہا ہے، تجلی کو قبول کہاں تک کر رہا ہے، تو اس لیے میں متفق نہیں ہوں اس شعر سے، مگر ظاہر ہے کہ عام طور پہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ نام ایسے آئے ہیں کہ جن ناموں پہ تبصرے کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب ز روم، آنے والے اتنی دور دور سے آئے، حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب ز روم ز خاک مکہ ابو جہل، ان سے بولا جبیس، وہیں سے ابو جہل ہے، نزدیک سے بہت قریب سے، تو قربت زمانی قربت مکانی قربت وقتی، یہ محل عزت نہیں ہے، جب تک کہ اثر قبولیت فیض نہ ہو، راست شعا تو سب کے لیے ہے، خالق وہی ہے، کسی اور نے نہیں پیدا کیا، رب وہی ہے، ربوبیت اسی کی ہے، ڈائریکٹ ریڈیشن میں تو ساری کائنات ہے، ایک پتا ہے، ایک درخت ہے، ایک کیڑا ہے، ایک جانور ہے، انسان ہے، مگر جہاں سے عقل آئی تو حیات نے ایک شکل پیدا کی، ایک شکل پیدا کی اور آواز دی گئی کہ اگر اللہ اور اس کا رسول پکارے، تو اب آپ نے دیکھا اللہ اور اس کا رسول پکارے، تو ابھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے پکارنے کو تو کسی نے سنا نہیں، رسول کی آواز کو سنا، رسول کی آواز کو سن کے یہ کہنا پڑا کہ یہ اللہ ہی کی آواز ہے، اس لیے جب رسول پکارے تو لبیک کہو تاکہ حیات ملے، حیات، اور اگر رسول آواز دے اور کوئی اس آواز پر لبیک نہ کہے تو حیات نہیں ہے، حیات نہیں. اب اس کا تجربہ صبح سے شام تک ہزار مرتبہ کر لیجیے،
हजार मरतबा कर लीजिए और फिर अपने आप को यकीन दिलाने के लिए यही महफिल, यही मजलिस, यही दलील हयात, यही सबूत हयात कि किसका जिक्र है, कौन जिंदा है, किसका जिक्र है, कौन जिंदा है, कौन जी रहा है। आवाज दी रसूल ने और लब्बैक कह के कोई आगे बढ़ गया, वो जिंदा है, वो जी रहा है और वो इस तरह से जिएगा कि हम न रहेंगे, हमारी नस्लें न रहेंगी, मगर वो हयात बाकी रहेगी और हयात ऐसी नहीं, तैयबा ताहिर हयात, पाक हयात के जहां शायब नजासत न हो, नहीं जहां शायब रायब न हो, जहां शुभ का इम्कान न हो, जहां शक की गुंजाइश न हो, वो जिंदगी अल्लाह के उन बंदों को मिली जिन्होंने रसूल की आवाज को अल्लाह की आवाज से अलग करने की कोशिश नहीं की। अब ये एक जुमला बड़ी तफसील चाहता है, मगर चूंकि मैंने कह दिया है इसलिए इसकी तफसील कर। लेकिन कुरान मुसलसल कह रहा है कि खबरदार वो लोग जो अल्लाह में और उसके रसूल में फर्क करें, उलाएका हुमुल काफिरून हक्का, वही काफिर हक है जो अल्लाह में और उसके रसूल में फर्क करें। भाई कैसे फर्क नहीं है, तू खालिक है, वो मखलूक है, तू कमाल इल्म है, तेरे इल्म के वास्ते से ये इल्म पा रहे हैं, तू कदीम है, ये हादिस है, तू खादिर है, ये हादिस है, कैसे फर्क न करें। मगर नहीं, मतलब ये है कि हमारे अमर में फर्क नहीं है, हमारे हुक्म में फर्क नहीं है। जब अल्लाह हुक्म दे तो समझो रसूल हुक्म दे रहा है, और जब रसूल हुक्म दे तो समझ लो कि अल्लाह हुक्म दे रहा है। अब अगर कोई रसूल के हुक्म को, रसूल के अमल को अल्लाह का हुक्म न जाने, या रसूल के हुक्म को अल्लाह के हुक्म से अलग करने की कोशिश करे, दोनों सूरतों में पेश नजर रहे, दोनों सूरतों में नजर रहे, रसूल के हुक्म को अल्लाह के हुक्म से अलग करने की कोशिश करे, या रसूल के हुक्म को अल्लाह का हुक्म न जाने, दोनों हैसियतों से नुकसान है, दोनों हैसियतों से नुकसान है और हयात को नुकसान है। हयात वही नहीं जो मरने के बाद होगी, हयात तो आज भी है, हयात मानवी है, हयात अकली है, हयात रूही है, हयात शऊरी है, हयात बातिनी है, हयात सिर्री है, वो जिंदगी के जिसको आप सही मायने में ढूंढ रहे हैं वो इल्म अकल की जिंदगी है। जब वो इल्म अकल की जिंदगी में आप आए तो पता चलेगा कि रसूल ने कुछ कहा, रसूल ने कुछ कहा और दुनिया ने कहा नहीं, नहीं ये मैंडेट नहीं है, यह नस नहीं है, बल्कि यह तो फकत आपस के ताल्लुकात कुछ खराब हो गए थे इसलिए आपस में मिलाने के लिए कहा। हज्जतुल विदा से वापस होते हुए चूंकि मजमा ज्यादा था इसलिए रोक के कहा कि देखो आपस में लड़ाई ना हो, तुम वजन हो रहे हो, इसलिए आपने कहा कि ये मौला है, ये मौला है। तो आपने क्या किया, मैंडेट को फ्रीज कर दिया, जुमूद अलन नस, नस को जामित कर दिया, यानी वो नस जिसको आगे बढ़ना था कयामत तक के लिए, उसको वक्ती बनाया, आनी बनाया, फानी बनाया, जमानी बनाया, मकानी बनाया और एक झगड़े की नजर कर दिया। और क्या किस से झगड़ा हो गया था तो आपने कहा जो उसका दोस्त है मेरा दोस्त है। और अगर सही माना में
رسول کی آواز کو اور رسول کے ارشاد کو ارشاد الہی سمجھا جاتا تو حیات حقیقی ملتی، حیات حقیقی ملتی، اور وہ حیات حقیقی وہ ہوتی کہ جہاں ہم صحیح معنی میں رہبری پاتے اس نور کی شعاع سے جو بواسطہ رسول آ رہی ہے، جو بواسطہ رسول آ رہی ہے، بے اختیار جب رسول نے کہا کہ یہ ولی ہے تو امت قرآن کی آیت پڑھی اور کہا مالکم من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ شفیع ہے. جب رسول نے کہا کہ یہ ولی ہے تو آیت پڑھی مالکم من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا کوئی ولی ہے نہ شفیع ہے. اور جب بیٹی نے کہا یہ آیت ہے کہ یحییٰ وارث ہے زکریہ کا اور آل یعقوب کا، تو رسول کی حدیث پڑھی کہ ہم گروہ انبیاء ورثہ نہیں چھوڑتے. کبھی ادھر سے جدا کیا، کبھی ادھر سے جدا. نتیجہ یہ ہوا کہ شعاع کو دونوں طرف سے لینے کی کوشش نہیں کی، شعاع کو بواسطہ رسول قبول کرنے کی کوشش نہیں کی. اور بیٹی پکارتی رہی کہ میں بہتر جانتی ہوں کہ باپ کا ارشاد کیا تھا، میں بہتر جانتی ہوں کہ باپ کا مقصد کیا تھا، مگر جب میں آیت پڑھتی ہوں تم حدیث پڑھتے ہو، جب میں حدیث بتلاتی ہوں تم آیت کی طرف جاتے ہو. تو زمانے نے کوئی خاص تبدیلی نہیں کی، یہ روانی فکر کی آج بھی ہے، یہ روانی فکر کی آج بھی ہے. آیتیں پڑھیے تو حدیث سامنے، احادیث نقل کیجئے تو آیتوں کا حوالہ ہے. ایسے موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح طور پر ایک ایسی راہ ڈھونڈے اپنی آنے والی تقریروں میں کہ جہاں زندگی طیب ہو، طاہر ہو، پاک ہو. یعنی آپ یہ سمجھتے ہوں گے طیب و طاہر کے لفظ سے کہ کوئی نجاست لگ جاتی ہے زندگی کو، نہیں نہیں، یہ شکوک سے پاک ہو، ریب سے پاک ہو، شبہات سے پاک ہو. اور شبہ بڑا عیب ہے، شک بڑی بیماری ہے. جہاں دل میں شک پیدا ہوا پریشانی ہو گئی، پریشانی ہو گئی، اور پھر شک بڑھتا چلا تو ایک دن وہ ہوتا ہے کہ پھر انسان صحیح معنی میں حیات معنوی کو کھو دیتا ہے، حیات عقلی کو کھو دیتا ہے، حیات علمی کو کھو دیتا ہے. بہرحال یہ چند باتیں تمہید کے طور پہ آپ ذہن میں رکھیں. ایک گفتگو اور آخر کلام میں، آخر تقریر میں، وہ یہ کہ کوشش ہر مسلمان کو اس حمد کی کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کو سمجھیں. اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک معیار ہے، اگر اس معیار پر نہیں سمجھ میں آتا قرآن تو صرف عربی کے ترجمے سے نہیں سمجھ میں آتا. ایک معیار، میں نے آغاز تقریر میں کہا کہ سورہ نحل ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اسی لیے کہ جب جیسے جیسے آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے جائیں گے کسی کا عمل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. اللہ 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 اللہ.
किसी का अमल आपकी आंखों के सामने होगा और आयतें समझ में आती जाएंगी, आयतें समझ में आती जाएंगी, किसी का अमल सामने हो और उस वक्त पता चलेगा कि वो सही माना में हयात तैयबा क्या है और किस तरह से जिंदगी बसर करना मुसलमान के लिए लाजिम है। आज सफर की 10वीं तारीख, हम उस जमाने से करीब हैं जिसको चहलुम कहते हैं, इमाम का चहलुम, गरीबों का चहलुम, शहीदों का चहलुम। जाहिर है कि कल तक परसों तक जो मैं गुफ्तगू कर रहा था बारगाह सज्जादिया में, वो एक मुस्तकिल उन्वान के तहत गुफ्तगू थी और जाहिर है उन्वान इन तकरीरों में बदल गया। आपको थोड़ी सी फिक्र की मोहलत दी जा रही है, सोचें, गौर करें और उसके बाद अंदाजा करें कि हमने पहली मुहर्रम से मजलिसें शुरू की हैं। मेरी हद तक तो मुझे छोड़िए कि मैं कुछ वक्फे वक्फे से तकरीरें करता रहा, मगर तकरीरें तो बराबर हो रही हैं, मजलिसें तो बराबर हो रही और बराबर लोग आ रहे हैं। ये किसकी हयात तैयबा है? किसकी हयात तैयबा है? मैं बारगाह रिसालत में अर्ज करूं कि अल्लाह के रसूल, आपने तो उबै बिन काब से ये कहा था कि तौरात तो ज़बूर और इंजील में कोई सूरह ढूंढ तो दे सूरह हम्द के बराबर। मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूं कि तारीख इंसानियत में कोई ऐसे इंसान भी तो बतला दे कि जिनकी हयात तैयबा का ये हाल हो कि हर हाल में जिंदा, हर हाल में ताजगी, हर हाल में नयापन, अनोखा। आज गुफ्तगू को शुरू करना है इसलिए मेरा दिल चाहता था कि 10वीं सफर को अगर मैं तकरीरें शुरू करूं तो मैं उस शहजादी के तस्करे से शुरू करूंगा जिस शहजादी ने सफर सैयदुश्शोहरा में शरीकतुल हुसैन की खिदमत अंजाम दी। शरीकतुल हुसैन, शकीकतुल हुसैन, नायबतुल हुसैन, ये सानिया जहरा है ज़ैनब। बाबे करबला, करबला बाकी है, बाबे करबला, करबला बाकी है तीन नामों से, ज़ैनब, आबिद बीमार, सकीना। तो आज की गुफ्तगू इसी शहजादी से, क्या सब्र है, क्या इस्तक़लाल है, क्या हयात मिली है इस शहजादी को, क्या तय्यब जिंदगी है, कोई अंदाजा कर सकता है? जब मक्का मुअज़्ज़मा से काफिला चल रहा था 8वीं ज़िलहिज को, तो वो वक्त भी याद है शहजादी को कि अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार नाके के करीब आए, अपनी बीबी को रुख्सत किया और कहा शहजादी जा रही हो जाओ, अगर मैं मजबूर न होता, लाचार न होता तो मैं भी चलता, मैं भी रिफाकत करता और रिफाकत का हक अदा करता, मगर शहजादी बीमार हूं, खुदा हाफिज कहने के लिए मदीने से आया हूं, मगर मैंने आका से कह दिया है शहजादी कि अगर कोई वक्त ऐसा आ जाए तो पहले अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के बच्चे जाएंगे मेरे,
पहले ज़ैनब की औलाद जाएगी तो सूरत देख के कहने लगी, अब्दुल्ला तुमसे तवक्को यही थी, तुमसे यही तवक्को थी कि तुम यही कहोगे। उस वक्त तो खुदा हाफिज कह दिया, तबकात इब्ने साद में ये रिवायत मौजूद है, मख्तल में नहीं, इस्लाम की अहम तरीन तारीख में। तबकात इब्ने साद में ये रिवायत मौजूद है कि जब वाकई करबला हो चुका तो अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार एक दिन घर में बैठे हुए थे, आपके गुलाम ने बाद खत्म बोसी अर्ज किया, आका हमारे बच्चे तो जाया हो गए, हमारे बच्चे तो जाया हो गए, करबला से हमको क्या मिला। साहेब तबकात कहते हैं कि इतना सुनना था कि खड़े हो गए और उसको इतना मारा, गुलाम को इतना मारा के जख्मी कर दिया, तेरी मजाल है कि तू हुसैन के मुकाबले में मेरे बच्चों का जिक्र कर। यानी वो अपनी नमक खारी बतला रहा था, वो अपनी वाबस्तगी बतला रहा था, मगर अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार को जलाल आ गया। कुछ दिनों बाद खुद शहजादी आ गई मदीने, तो अब रोजाना अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार आते इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में बैठते, शाम को वापस जाते, रोज यही दस्तूर था। कुछ दिनों के बाद एक दिन देर तक बैठ गए, हजरत आबिद बीमार ने कहा, अब्दुल्ला घर नहीं जाओगे? आखा कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अब्दुल्ला क्या अर्ज किया? फरजंद रसूल फूफी